ही हम बात करें, यहाँ पर एक नज़ारा और देखने को मिला है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ जो खाना खाने के लिए आते हैं उन बच्चों को भी यहाँ पढ़ाई के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है लिखना पढ़ना, और कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं कुछ नहीं हैं, उनको सबको यहाँ सिखाते नज़र आ जाएंगे। ये देख लीजिए, इधर भी हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से बच्चों को यहाँ एक PTC के द्वारा दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमको रहना और पढ़ना है। बाकी जिस तरीके से ये बच्चे यहाँ आप देख रहे हैं, ऐसी अगर संस्थाएं काफ़ी हैं, लेकिन जो यहाँ पर किसान आंदोलन के द्वारा देखा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई भी की जा रही है, हम एक बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जीवनजोत सिंह है। जीवन जी, जो यहाँ बच्चों को आप पढ़ाई करा रहे हैं, तो ये कई दिन से आपने काम स्टार्ट किया है, कब से किया है? ये जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसके एक दो दिन बाद से ही ये सारा शुरू हो गया था। तकरीबन प्रोटेस्ट को आज 21 दिन हो चुके हैं। हाँ जी, तो ये पिछले 15 दिन से ये क्लासेस चल रही हैं, जो सुबह बच्चे जो इधर रैक पिकिंग किया करते थे पहले और जो इधर घूमते थे, तो अब उनको हमने चैनलाइज किया कि यहाँ पे आइए और यहाँ पे सीखिए। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कलरिंग होती है, लिखा जाता है, उनके काउंसलिंग की जाती है, तो वही करवा रहे हैं अब उन्हें। तो इसका कोई टाइम टेबल भी है? हाँ जी, ये सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक रहती हैं ये क्लासेस। अच्छा जी, तो इसमें जो ये बच्चे हैं ये यहीं के रहने वाले आसपास के, या अपने हरियाणा पंजाब और जगह से भी हैं? नहीं, ये सारे लोकल ही हैं। ये ऐसे इधर उधर आपको बताया कि घूमते रहते थे पूरा दिन और ये प्लास्टिक इकट्ठा करते थे और ऐसे करते थे, तो हमने इन्हें यही बताया कि बेटा तुम यहाँ आओ, हम क्योंकि ये सब कुछ यही बेचते हैं जाके और खाने के लिए करते हैं, तो हमने ने कहा कि तुम यहाँ आओ, यहाँ सीखो। क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके पास जाइए, उनके पास सीखिए। अंग्रेज़ी सीखनी है अंग्रेज़ी सीखिए, कलरिंग सीखनी है कलरिंग सीखिए, कुछ भी आपको सीखना उनको बताइए कि वो सिखाएंगे, क्योंकि ये सारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है जैसे ये पन्नी वगैरह या बोतल वगैरह चुगते हैं, उसमें ऐसा नहीं है जो अनपढ़ है? नहीं नहीं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई 5वीं में है, कोई 6ठी में है, कोई 8वीं में है, तो ऐसा 10-11 साल की उम्र के बच्चे हैं, तो ये इसमें लगे हुए थे, तो हमने इनको चैनलाइज करके यहाँ लाया। नहीं, जैसे लॉकडाउन चल रहा है काफ़ी समय से, आज 8-9 महीने करीब लॉकडाउन हो लिया और स्कूल तो खुल ही नहीं रहे हैं, तो बहरहाल जो इनके पेरेंट्स हैं वो भी नहीं पढ़ा पा रहे होंगे, तो जैसे यहाँ क्लासें मिल रही है तो इससे तो इनके पेरेंट्स भी बड़े खुश होंगे। हाँ जी, उनमें बहुत उत्साह है, आप देख सकेंगे कि बाहर उनके पेरेंट्स बैठे रहते हैं, 3-3 घंटे बैठते हैं, उनको लेके लेने के लिए और छोड़ने के लिए भी आते हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल बना है यहाँ पे, एक बहुत अच्छा ही। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दूर दूर से भी अब आना शुरू हो गए हैं, तो ये ग्रेजुअल नंबर इंक्रीज किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है। अभी हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर इस पहल को शुरू किया गया है तकरीबन 15 दिन से, और हम आगे भी बात करेंगे जिस तरीके से इस पहल को यहाँ पर जो टीचर द्वारा इसे दिया जा रहा है, हम यहाँ एक टीचर और हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, आप बताएंगे आपका नाम? जी, मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, जो आप यहाँ क्लासेस दे रहे हैं बच्चों को, उसके बारे में बताएं, कब से दे रहे हैं? ये हमें काफ़ी दिन हो गया वैसे तो यहाँ पे क्लासेस लेते हुए, और यहाँ पे जो बच्चे हम देखते हैं कि कोई भी बच्चे ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे, कोई कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ से कुछ कोई कचरा उठा रहे हैं, या वो वाले बच्चे हैं, या फिर कोई भी यहाँ झोपड़ पट्टी वाले बच्चे हैं, है ना, तो उन बच्चों को जो ऐसे ही यहाँ पे फिर रहे थे, तो उनको इकट्ठा किया। तो जो काफ़ी किताबें हैं ये सब आपने अपने पास से दी हैं? जी, अपने पास से दी हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी पहल है, जैसे किसान आंदोलन चला हुआ है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसमें आप यहाँ के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि हमने सोचा कि अगर हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करें कि जिससे यहाँ रहने वालों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तो ये बच्चे हैं ये कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो हम भी यहाँ आए हैं, नौजवान यहाँ बहुत सारे आए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं इस काम में, तो उनकी भी एनर्जी है जो एक अच्छी जगह लग रही है। जी, जिस तरीके से हमें यहाँ टीचर ने बताया कि भाई इन बच्चों को पढ़ाने में भी हमें इंटरेस्ट है, और यहाँ देखना होगा कि जैसे ये बच्चे ड्राइंग का काम कर रहे हैं या इंग्लिश हिंदी मैथ वगैरह का काम करते आपको नज़र आ जाएंगे, कि लेकिन जो सरकार है
उसको सोचना चाहिए और जो किसान प्रोटेस्ट पे हैं उनके हक में बात करनी चाहिए। आखिरकार सरकार की आंखें कब खुलेंगी ये देखना ज़रूरी है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।